वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज कांची, योर फ्लॉसिंग गर्ल। सो आज फाइनली है मेरा लास्ट पेपर। एक्चुअली ये लास्ट पेपर नहीं है, बट जो मेन पेपर्स होते हैं ना उनमें का ये लास्ट पेपर है। इसके बाद एक लास्ट एग्जाम बचेगा, वो कुछ एग्जैक्टली तो नहीं आपको बता सकती, बट जैसे एंड का होता है ना वो आर्ट्स एंड ड्रॉइंग्स टाइप, वैसे इट्स नॉट आर्ट्स एंड ड्रॉइंग, बट सबसे इजी पेपर है वो लास्ट में है। तो आज आई एम कंसिडरिंग कि मेरा एग्जाम आज खत्म हो रहा है, ये मैंने अपने माइंड में खुद को बोल दिया है। सो आज सबसे टफ पेपर है मेरा, और हमेशा ऐसे होता है कि जो सबसे टफ पेपर होता है उसके लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, बट फिर भी आपका पढ़ के कुछ नहीं होता है। और मेरी भी हालत इस समय कुछ ऐसी ही है, मेरा सच बता रही हूँ, मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है अभी तक। मतलब 2:30 को मेरा एग्जाम है, अभी 10:30 बज रहे हैं एंड मैं स्टिल अभी तक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रही हूँ। बाय द वे गाइस, देयर इज एन अपडेट, आई हैव क्लियर्ड माय JIB इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, एंड वो ऐसा नहीं मैंने अभी क्लियर किया, मतलब थोड़ा टाइम पहले क्लियर किया था, बट आपको पता है मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। मतलब शॉर्ट्स मैं कंटिन्यूसली पोस्ट कर रही थी, बट व्लॉग जो कि मुझे पसंद है, जो मेरा फोटो है व्लॉग, वो मैंने बहुत कम कर दिया था। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। सो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करना है इन टूडेज वीडियो। ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू व्लॉग डेली, कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ इस बार, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। बीच में जो मैं इतने सारे टाइम गायब थी यूट्यूब से, आई हैव टू मेक अप फॉर दैट। थोड़ा सा बाल को सेट करके और फिर बस ऐसे ही निकल जाओगी एग्जाम देने के लिए। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई गो टू गिव माई एग्जाम्स, एकदम कम्फर्टेबल क्लोथ्स में, क्योंकि मेरा दिमाग काम करना चाहिए तो मैं ज्यादा फैशन नहीं मार सकती। आई थिंक इतना अभी के लिए काफी है, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में एग्जाम के बाद। सो विश मी लक एंड बाय बाय। तो फाइनली एग्जाम हो गया, और एग्जाम टू बी ऑनेस्ट पढ़ाई मेरी ज़्यादा हुई नहीं थी जैसा मैंने सुबह बताया था, तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा खासा गया। बट आप लोग मेरी हालत देख सकते हो कितनी ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं इतना स्ट्रेस लेके पढ़ाई करती हूँ जब भी पढ़ाई करती हूँ। बट ठीक है, फाइनली हो गया मेरा एग्ज़ाम ख़त्म। अब बस एक पेपर बाकी है, वो होगा फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि थोड़ा सा थियोरेटिकल है, तो ठीक है वो भी देख लेंगे। आज का जो मेरा पेपर था सारा अकाउंट्स का था। सो अभी आपसे मिलती हूँ, घर जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। सो फाइनली आई एम बैक होम, और जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया था, मुझे बहुत सारे अपडेट्स देने हैं आप लोगों को, क्योंकि जब से यू नो मैं आप अगर मेरे चैनल को देखोगे तो जब से मैं लास्ट मेरा जो ब्लॉग था जब मैं बैंगलोर गई थी, उसके बाद से आने के बाद आई वॉज जस्ट लॉस्ट समवेयर इन बिटवीन। एंड मुझे ब्लॉग करना बहुत पसंद है, जो मेरा मिस हो गया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी जब कैमरा भी बार बार उठा रही हूँ ना, सो मुझे बात करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट इसका और एक रीज़न है, वो रीज़न मैं सच में आपके साथ शेयर करना चाहती थी। लेट मी जस्ट गेट अ लिटल कम्फर्टेबल। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है बताए गाइस, आपको पता होगा मैंने मेरे चैनल पे बीच में एक स्टार्ट किया था डेली ब्लॉग, जहाँ मैंने बोला था कि मैं व्हाट आई ईट इन अ डे, या यू नो आई वाज ट्राइंग टू लूज वेट, तो मैं वो पूरा अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। आपको पता होगा सिर्फ 2 वीडियोज़ उसके अपलोड हुए थे, उसके बाद वीडियोज़ अपलोड होना बंद हो गए थे, जिसके लिए आई हैड माई रीजन्स। I have three things to handle, my full time job, second is my studies and third is YouTube. तो मेरे पास 3 चीज़ें होती हैं handle करने के लिए, और हमेशा होता क्या है कि सब चीज़ में ना YouTube मेरा back foot पे चला जाता है, because यही एक चीज़ है जिसके लिए मैं किसी और को answerable नहीं होती हूँ, तो मुझे चाहते ना चाहते हुए भी मुझे YouTube को पीछे डालना पड़ता है हमेशा। But this time, fingers crossed,
I have made it a point that I will vlog because to be honest I love vlogging and I love putting out videos. और जब भी मैं videos नहीं डालती हूँ या मैं videos नहीं बना रही होती हूँ ना उस time पे मैं अंदर से बहुत sad होती हूँ. So YouTube तो है और YouTube हमेशा रहेगा. बहुत लोगों के ये भी questions थे, have I quit YouTube? सो नो, ये तो मुझे नहीं लगता अभी कि ऐसा कभी भी होगा बिकॉज आई रियली लव मेकिंग वीडियोज. और जो चीज़ से आप यू नो प्यार करते हो ना उसको आप कभी नहीं छोड़ते हो. सो ये मुझे कोई कंपल्शन करके मुझसे नहीं करवाता है, मैं अपने दिल से करती हूँ, अपने मन से करती हूँ. और आप लोग देखोगे मेरे वीडियोज जितना रॉ हो सके उतना रॉ होता है. आई डोंट फेक इट, आई एम ट्राइंग टू मेक इट बट आई डोंट फेक इट. सो जितना भी मेरे वीडियोज में देखते आप सच्चाई ही देखते हो. चलो अभी इसके ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते, मुझे आपको ये दिखाना है कि कुछ महीनों से जो मैं बिजी थी वो मैं एग्जैक्टली कहाँ बिजी थी. सो एग्जैक्टली ये है वो रीज़न जिसने मुझे इतने टाइम से बिजी रखा था. बट ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके ऐसा ही सेम और एक लॉट मेरे पास पड़ा हुआ है. फिलहाल मैं एग्जाम दे के आई थी तो मेरी एक आदत है जब एग्जाम खत्म हो जाती है तो मैं हटाती हूँ, यू नो आई जस्ट टेक द बुक्स आउट ऑफ माई साइट. क्योंकि मेरी जो आदत है ना, मैं बुक को हर जगह अपने साथ लेकर घूमती हूँ, भले मैं पढ़ाई ना करूँ बट मेरे बैग में बुक हमेशा होती है. चाहे मैं ऑफिस जा रही हूँ, चाहे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मैं हमेशा बुक्स को लेके घूमती हूँ. सो अभी फिलहाल एग्जाम खत्म हुए तो आई जस्ट टेक देम आउट ऑफ माई साइट ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो. तो ये फिलहाल इतनी सारी चीज़ों ने मुझे बिजी रखा था. एंड जैसा कि मैंने सुबह आपके साथ शेयर किया, आई हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड माय JIB इन फर्स्ट अटेम्प्ट, माय AML KYC आल्सो इन फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड उसके अलावा आई एम डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन. उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो चल रही है, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे. अभी फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. सो जस्ट विश मी लक, ज्वाइन मी इन दिस जर्नी एंड हम और आप मिलके जरूर बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाएंगे, आगे रेगुलर व्लॉग्स बनाएंगे और रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करेंगे. अगर आपको मेरा ये टीनी मिनी सा छोटू सा व्लॉग पसंद आया हो सो डू लाइक एंड शो योर सपोर्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑलरेडी वी आर फैमिली ऑफ 1800 सब्सक्राइबर्स एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में. टिल देन ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट. और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एग्जाम्स या बुक्स या एनीथिंग, यू कैन फ्रीली पोस्ट देम इन द कमेंट्स डाउन बिलो. मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हूँ. एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट. बाय बाय.